What is up guys? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड गैजेट्स जिनको आप रियल लाइफ में भी खरीद सकते हैं और इन गैजेट्स को देखने के बाद आपके माइंड में एक बात जरूर आएगी, वाओ काश ये गैजेट्स मैंने पहले देखे होते तो मेरी लाइफ कुछ और होती। नंबर 10 पर है टिकटॉक द डुअल स्क्रीन रगड स्मार्टफोन। फर्स्ट लुक में ये फोन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का लगता है और इस फोन को यूनिहर्ट्ज़ ने बनाया जो कई सालों से रगड स्मार्टफोन बना रही है। इस फोन का सबसे यूनिक फीचर है वो है इसकी डुअल स्क्रीन कि हम फर्स्ट टाइम किसी फोन के बैक कैमरा से जबरदस्त सेल्फी ले सकते हैं और इसकी बैक स्क्रीन पे हमें फोन में आने वाली सारी नोटिफिकेशंस दिख जाएगी और इसी स्क्रीन पर हम वॉच फेसेस को सेट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। जब भी हमें कोई कॉल करेगा तो पीछे वाली स्क्रीन पे हमें सब दिख जाएगा और इससे हम म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस फोन की IP68 रेटिंग है, मतलब भाई साहब इसको पानी में भिगा दो या कीचड़ में गिरा दो तब भी इस फोन को कुछ नहीं होने वाला है। इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड 11 और इसमें दो सिम कार्ड्स भी लगा सकते हैं और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। इसकी बैटरी 6000 mAh की है जिसको हम फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। गेमर्स को भी इस फोन में मजा आ जाएगा क्योंकि इसमें हीट डिसिपेशन का ऑप्शन है जिससे गेमिंग के टाइम फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा। इसमें साइड में दो डुअल कस्टम बटन्स भी है जिससे हम खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी ये फोन प्री ऑर्डर्स में ही अवेलेबल है और इसकी प्राइस है अप्रोक्स $399 यानी लगभग 29,000 से 30,000 रुपए। नेक्स्ट गैजेट है ऑटो स्टिक। क्या आपको भी खाना खाते वक्त प्रॉपर कटलरी का यूज करना नहीं आता है या फिर जब भी आप चॉपस्टिक का यूज करते हैं तो आपका खाना आपके हाथों से नीचे टेबल पर गिर जाता है? तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मिलिए ऑटो स्टिक से जो कि दुनिया की पहली प्रेस टू यूज चॉपस्टिक है। इस चॉपस्टिक को यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल्स को सीखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हर कोई इंसान इसको यूज कर सकता है। इसकी डिजाइन बिल्कुल पोर्टेबल एंड डिटेचेबल है जिसके वन प्रेस के थ्रू आप किसी भी फूड को उठाकर खा सकते हैं। इसकी स्टिक को आगे से एंटी स्लिप डिजाइन किया गया है जिससे कोई भी खाना इजीली छूटेगा नहीं, जिससे हमें गिरने का डर भी नहीं होगा। इसका हेड जो है वो डिटेचेबल है जिसको हम निकाल कर इजीली क्लीन भी कर सकते हैं और इसका साइज पोर्टेबल होकर जस्ट 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम का बना हुआ है जिससे इसमें रस्ट या फिर जंग लगने का कुछ भी इशू नहीं आएगा और इससे आप दुनिया भर के किसी भी टाइप के खाने को खा सकते हैं, दाल चावल या ऐसे चीजें छोड़ के। बेसिकली इसको बनाने का मेन पर्पस है कि जो हम अभी डिस्पोजल आइटम यूज करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और कार्बन का परसेंट हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है। तो पेड़ों को बचाने के लिए और हमारी लाइफस्टाइल को इजी करने के लिए ऑटो स्टिक का यूज करो। वूबैन, क्या लगता है आपको एक पेन क्या क्या कर सकता है? पर इस पेन की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें लगा है टंगस्टन स्टील जो कि इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी टाइप के ग्लास को, वो कार का हो या हमारी खिड़की का, सबको तोड़ देगा। इसमें एक रेजर शार्प सर्जिकल ब्लेड भी है जो कि काटने पीटने के लिए एक बेहतरीन औजार है। अगर आप भी जंगल में टेंट लगाकर रहने का शौक रखते हैं तो फिर इस गैजेट को आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर लगी है एक LED फ्लैशलाइट जिसमें 3 ब्राइटनेस के लेवल है और साथ में इसमें 2 कलर्स भी हैं, रेड एंड ब्लू, जो कि रात में सड़क दुर्घटना से बचाएगी। इस LED को कंटिन्यूअसली 15 घंटे तक चला सकते हैं जब हम इसको फुल चार्ज कर देंगे तब। इसकी प्राइस है 3,347 रुपए और ये मुझे थोड़ी महंगी लगी। नेक्स्ट गैजेट है एज मॉड्यूलर किट फॉर लैपटॉप। ये एक लैपटॉप से रिलेटेड एक्सेसरी है जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसका डिजाइन काफी ज्यादा अल्ट्रा स्लिम है और इसको हम सीधे हमारे लैपटॉप के पीछे माउंट करके हमारे फोन से वीडियो कॉल या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का मजा ले सकते हैं। और इसके ऊपर माउंट करने के बाद हमें फोन के चार्जिंग की भी चिंता नहीं करना है क्योंकि इसके साथ हमें QI वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है जो कि आईफोन MagSafe टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। क्योंकि आजकल नए आईफोन्स में इंटरनल मैग्नेट्स आते ही हैं जिससे फोन को इसके ऊपर अटैच करने का कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन अगर आपके फोन में वो भी नहीं है तो इसके साथ एक डिस्क आती है जिससे हम इजीली हमारे किसी भी फोन को इसके साथ अटैच कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसके साथ एक डिटेचेबल लाइट भी आती है जो कि स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के टाइम हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर देगी जिससे हम एक बार में दो चीजों को माउंट करके अपनी मर्जी के हिसाब से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये गैजेट काफी काम का लगा क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी एनहेंस तो होगी। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट गैजेट है फोल्ड ईट, ईट मतलब खाना। ये एक मॉड्यूलर लंच बॉक्स है जिसको हमारी डे टू डे लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इसमें कोई ज्यादा हाईटेक फीचर्स तो नहीं है लेकिन ये फोल्डेबल लंच बॉक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ईटिंग मैप के फॉर्म में। इसके कंटेनर्स को फ्लैट डिजाइन किया गया है जिससे हम इनको एक के ऊपर एक रख के हमारा स्पेस सेव कर सकते हैं। प्लस ये हमारे बैग में या फिर फ्रिज में ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। इस लंच बॉक्स सेट के साथ हमें कुछ कटलरी का आइटम भी मिलते हैं जिसको हम मैट के साथ मैग्नेट के थ्रू अटैच कर सकते हैं और हाँ, इसके साथ एक फोन होल्डर
भी आया है, पता नहीं अब ये क्यों दे दिया इन लोगों ने। इसकी जो मैट है वो वाटरप्रूफ फैब्रिक से बनी हुई है, जिसको हम पानी में धो देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, और इसका मटेरियल थर्मल इंसुलेटेड है, जिससे हमारा खाना बहुत ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। ये दो कलर्स में अवेलेबल है, एक डार्क ग्रे और एक लाइट ग्रे। तो मुझे ये लंच बॉक्स काफी कमाल का लगा स्कूल जाते वक्त या फिर कॉलेज जाते वक्त, लेकिन अगर अभी लॉकडाउन लग गया तो मुझे नहीं मालूम कि ये कितने काम का बचेगा। नेक्स्ट गैजेट है वन व्हील जीटी। ये एक सिंगल टायर वाला पावरफुल इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड है, जिसकी टॉप स्पीड 32 किलोमीटर पर आ रहे, जिसको सिंगल चार्ज करने पे हम 40 से 45 किलोमीटर तक चला सकते हैं। सबसे अच्छी बात, यह हमारे इंडियन रोड्स पे भी चल जाएगा, क्योंकि इसके टायर्स को ऑफ रोडिंग के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके फुट पैड्स पे स्पेशल कोटिंग की गई है, जिससे इसको चलाने पर अच्छी ग्रिप बनेगी और गिरने का डर बिल्कुल नहीं होगा। जैसा हम जानते हैं कि ये सिंगल टायर वाला स्केटबोर्ड है, जिससे ये बाकी स्केटबोर्ड से थोड़ा ज्यादा फुर्तीला है, और इसके आगे कुछ LED लाइट्स भी लगी है, जिससे हम इसको रात के काले अंधेरे में भी इजीली चला सकते हैं। इसका एक पर्सनल एप्लीकेशन भी है, जिससे हम इसका बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं और खुद के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज तो मुझे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इसकी प्राइस अप्रोक्स $2,200 है, जो कि इंडियन करेंसी में 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे तो ये काफी मस्त लगा यार। नेक्स्ट गैजेट है इग्लू होम। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ताला तो लगा देते हैं और उसकी चाबी हमारे पास रख लेते हैं, जिससे घर के कई दूसरे लोगों को ताला खोलने में बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि चाबी उनके पास नहीं होती है। तो घर के दरवाजे पर लगाइए किसी कीपैड स्मार्टफोन की तरह दिखने वाला यह स्मार्ट लॉक, जिसका नाम है इग्लू होम। इस लॉक में हम अपनी पसंद का किसी भी नंबर को लगाकर इस लॉक को लॉक कर सकते हैं। इसके साथ आपको किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको जस्ट अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके ताले को खोलकर अपनी सारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इवन आपने इस ताले को कब खोला था या बंद किया था, ये भी आपको बताता रहेगा। इसमें किसी भी तरह का टच स्क्रीन या फिर फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि कई बार फिंगरप्रिंट को हमारा लॉक ऑर्गेनाइज नहीं करता है, तो हम खुद ही हमारे घर के बाहर बैठे रह जाते हैं और हम दरवाजे के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से ये लॉक एक यूनिक रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक LED इंडिकेटर भी है, जो कि हमें बैटरी का परसेंट बताती रहती है, और इसके अंदर एक अलार्म का मैकेनिज्म भी है, जो कि कुछ इनवैलिड एक्टिविटी होने पे हमें अलर्ट भी करता रहेगा। नेक्स्ट गैजेट है वियरबड्स। हाथों पर ब्रेसलेट या स्मार्ट वॉच पहना तो आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन हाथों पर ईयरफोन्स को पहना हुआ आपने किसी को नहीं देखा होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया का पहला वायरलेस ईयरफोन वाला स्मार्ट बैंड है, जिसके अंदर से फुल्ली वायरलेस ईयरफोन बाहर निकलते हैं, जिससे आप भागते दौड़ते हुए बिना अपने फोन को कान पर लगाए हुए अपने इनकमिंग कॉल्स का जवाब दे सकते हो। और जो लोग म्यूजिक सुनने के शौकीन है, उन म्यूजिक सुनकर ही अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको इस ईयरफोन को रखकर चार्जिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इन ईयरफोन्स को अपने स्मार्ट बैंड में रखेंगे तो ये वैसे ही चार्ज होने लग जाएगी। इन सब के अलावा इस ईयरफोन को जस्ट टैप के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इस स्मार्ट बैंड पे हमें ऑन स्क्रीन हमारे नोटिफिकेशंस भी दिखेंगे, और ये स्मार्ट बैंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, प्लस का यूट्यूबर्स ने इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है। अगर इसके प्राइस को हम देखें तो जो वियरबड्स की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस है अप्रोक्स $99, मतलब 7 से 7,500 रुपए के करीब, और इसका जो लाइट वर्जन है वो $69, यानी कि 4,500 से 5,000 रुपए के करीब अवेलेबल है। तो इसकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये भी माल का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट गैजेट है वेंडर वॉल्स द ब्लूटूथ स्पीकर। ये कोई आम स्पीकर नहीं है जो सिर्फ म्यूजिक सुनाता है, ये स्पीकर म्यूजिक दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर वेनम स्टाइल का एक सब्सटेंस लिक्विड है, जिसको फेरोफ्लुइड बोलते हैं, आई थिंक आपको मालूम होगा, जिसको नासा ने डेवलप करा है, और इससे हम लिटरली हमारे म्यूजिक के बीट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फेरोफ्लुइड है वो हमारे म्यूजिक के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन एंड मूवमेंट करता है, जिससे एक दिखने में काफी ज्यादा गजब और अनयूजुअल हो जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन LED लाइट्स भी है, जो कि विजुअलाइजर का काम करती है, और इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए हमें टाइप सी चार्जिंग की जरूरत होगी। इस स्पीकर की प्राइस अप्रोक्स $42 है, यानी कि 3105 रुपए, और इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। नेक्स्ट गैजेट है पेट डोर पावरपोर्ट। ये एक मोस्ट स्टाइलिश फुल्ली फंक्शनल पेट डोर है, जिसको बड़ी आसानी से हमारे घर के किसी भी कोने में जस्ट एक सिंगल स्क्रू के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ एक स्पेशल ब्लूटूथ कॉलर टैग आता है, जिससे जब भी हमारा पेट इसके क्लोज में आएगा तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये वाटरप्रूफ है, और इस कॉलर टैग की चार्जिंग एक बार चार्ज करने पर 7 महीनों तक चलेगी। इस डोर को हम फुल्ली एप्लीकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और खुद के कस्टम शेड्यूल्स बनाकर पेट की एक्टिविटी को भी ट्रैक कर पाएंगे। और अगर हमारे पास फोन नहीं होगा तो इस डोर के ऊपर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, तो वहां से भी हम इस डोर को कंट्रोल कर सकेंगे। ये डोर 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, जिसको हम किसी भी टाइप के इंटीरियर में इंस्टॉल करवा सकते हैं,
और इस डोर की चार्जिंग की बात करें तो ये अप्रोक्स 1 महीने तक चलेगी। तो मुझे तो ये डोर काफी ज्यादा जबरदस्त लगा है, मतलब इसका जो लुक है ना सारे पैसे उसी बात के हैं। तो आपके पेट का नाम क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको डोर कैसा लगा है वो भी बता ही देना। तो इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट गैजेट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और किस गैजेट को खरीदने का प्लान कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड एंड पीस आउट।